हाय दोस्तों, मैं युवराज कटारे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्रीराम गैरेज। दोस्तों, ये JCB 3DX का ट्रांसमिशन है, इसका हम काम कर रहे हैं। दोस्तों, इसका पहला भाग हमने डाला हुआ है। दोस्तों, इसके पहले का जितना भी फिटिंग का, होल फिटिंग का जो भी वीडियो है वो हमने हमारे चैनल पर डाला हुआ है। दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे दोस्तों, और आई बटन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसका पहले फिटिंग का जो है वो उसका पहला भाग बना के हमने डाला हुआ है। दोस्तों, तो आप चैनल पे के पेज पे जाके वहाँ से देख सकते हैं। अभी ये देखिए दोस्तों, ऐसे उठा के इसको पहले ऊपर से रख लेना है, उसको अच्छे से मैच कर लेना है, उसके बाद राउंड के इसको बोल्ट लगा के टाइट कर लेना है। दोस्तों, उसके बाद देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर ये बेरिंग का कोन निकल जा रहा था दोस्तों, तो हमने उसको निकाल लिया था। ये ऊपर से ठोक के ऐसा आसानी से बैठ जाता है, इसको ऊपर से डाल लेना है। ये देखिए, इसको ठोक देना है। ये देखिए, हमारा कोन बैठ चुका है। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये काउंटर सीम्स लगेगी यहाँ पे, ये काउंटर सीम्स डाल लेनी है, और उसके बाद ऊपर ये एक कॉलर आती है, ये कॉलर डाल देनी है, और इसके बाद इसके ऊपर की प्लेट लगा के इसको टाइट कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, ये सोलोनेट का पैकिंग है, इसको कुछ भी नहीं लगाना है दोस्तों, ना ग्रीस लगाना है, ना एनाबोंड लगाना है, इसको कुछ भी नहीं लगाना है। जैसा पैकिंग है वैसा रख के ही इसको टाइट करना है। अगर आप इसको ग्रीस या एनाबोंड लगा देते हैं तो लीकेज हो जाता है। इसको कुछ भी नहीं लगाना है दोस्तों, ऐसे ही पैकिंग रख के इसको टाइट कर देना है अच्छे से। ये देखिए दोस्तों, हम एलंकी की मदद से इसको, एलंकी बोल्ट आते हैं चार, वो टाइट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, हमारा ये चार्जिंग पम्प लगा लेंगे इसका। ये हम यहाँ पर ओरिंग आता है, ये ओरिंग निकाल लेंगे, पुराना निकाल के हम यहाँ पे नया ओरिंग लगा लेंगे दोस्तों। ये भी, ये पुराना सील भी बदल लेंगे इसका, क्योंकि इसका चार्जिंग पंप अच्छा था दोस्तों, तो हम इसका सिर्फ सील बदल रहे हैं। ये देखिए, पुराना सील हमारा निकल चुका है, अभी हम इसको नया सील डाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा नया वाला सील है, इसको सील को हम डाल लेंगे। इसको ठोकते वक्त ऊपर से पुराना वाला सील रख के थोड़ा ठोक लेना है दोस्तों, अच्छे से बैठ जाता है। ये देखिए, इसको इसके ऊपर पुराना वाला सील रख के हम इसको मार सकते थोड़ा। ये देखिए, पुराना वाला सील इसके ऊपर से रख के इसको थोड़ा ठोक लेना है, वो बैठ जाएगा अच्छे से। ये देखिए, हमारा सील बैठ चुका है। ये देखिए, प्रॉपरली सील हमारा बैठ चुका है। इस पर थोड़ा हम एनाबोंड लगा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस पर थोड़ा सा हल्का सा हमने एनाबोंड लगा लिया है। इसको एनाबोंड लगा के अभी हम इसको फिट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसको अच्छे से साफ करके, ओरिंग हमने पहले बिठा लिया था दोस्तों, इसके अंदर का हमने अंदर पहले ओरिंग बिठा लिया था, उसके बाद में अभी ये पंप को हम बिठा लेंगे, होल मैच करके इसके बोल्ट लगा लेंगे। चार बोल्ट आते हैं दोस्तों इसको तैयार के, इसका ऐसा होल मैच करके, ये देखिए दोस्तों, ये बोल्ट लगा के हम ये बोल्ट को अच्छे से टाइट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये 13 के 4 बोल्ट लगते हैं इसको, ये बोल्ट लगा के इसको अच्छे से टाइट कर लेना है। ये देखिए, इसको 13 की टी लगा के हमने इसको टी से अच्छे से टाइट कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पे स्टेनर आता है इसका, ये हमने स्टेनर लगा लिया है, और ये गियर डंडा लगता है दोस्तों, यहाँ पे हमने ये गियर डंडा बिठा लिया है। तो चलो, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।